डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये श्रीधरसुमन यूनिवर्सिटी में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली यूनिट है, तो इस यूनिट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के एडवेंट से पहले क्या कंसेप्ट थे और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इन प्री क्वांटम एरा। प्री क्वांटम एरा मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के आने से पहले जो कंसेप्ट थे एटम के रिगार्डिंग, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तरह से रिवीजन है, इसमें हम थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बारे में जानेंगे। तो ये जो दोनों मॉडल थे बिल्कुल सिंपलिस्टिक मॉडल थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पर है वो ये है कि ये दोनों ही मॉडल जो न्यूटोनियन फिजिक्स है इस पर बेस्ड है। न्यूटोनियन फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से भी जानते हैं या क्लासिकल फिजिक्स से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये उन्होंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया था। ये उन्होंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डेवलप करा था। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं जो अल्फा रेज को एमिट करेगा। अल्फा रेज रैंडमली स्प्रेड होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे भेजने के लिए, यहाँ पे स्ट्रेट लग जाती हैं, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस पाथ के अलोंग, यहाँ पर एक मेटल की फॉइल जैसे यहाँ पे गोल्ड फॉइल ली है, इससे टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और स्कैटर हो जाते हैं। इनकी स्कैटरिंग पोजिशन कहाँ पे किस डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे हैं इसको हम रिकॉर्ड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर कोई अल्फा पार्टिकल यानी कोई चार्ज पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो सिंटिलेशन इफेक्ट होता है, और उसको डिटेक्ट करके हम यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का जो स्प्रेड हो रहा है स्कैटरिंग की वजह से उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करा गया था ऑन अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अब हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व करा। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे ये बिना किसी स्कैटरिंग के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे चले गए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे शो करा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ये सीधा सीधे निकल जा रहे हैं, फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन था। ये हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स में यहाँ पे डिफ्लेक्शन था बाय एंगल लेस देन 90 डिग्री, और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जिनका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री एंगल से ज्यादा पे था। 90 डिग्री से कम का डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी शो करा ये डिफ्लेक्शन हो रहा है और ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा मतलब ये इस तरह से अल्फा पार्टिकल आए गोल्ड फॉइल से टकराए और 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन ले गए। तो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन से अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाले रदरफोर्ड ने। पहला कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए थे, ज्यादातर पार्टिकल क्योंकि स्कैटर हुए और स्कैटरिंग यहाँ पे क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऑब्वियस है कि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जब जाकर ये टकराएगा तभी ये स्कैटर होगा। अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से जाके टकराता तो हो सकता था अट्रैक्शन की वजह से यहीं पे रुक जाता, या स्कैटरिंग फिनोमेना इतना रैंडम जिस तरह से बिल्कुल कोलिजन और रिफ्लेक्शन बेस्ड हो रहा है ऐसा नहीं हो पाता। तो ये बात कंफर्म हो रही है कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्कैटर हो रहे हैं तो ये जिस पार्टिकल से टकरा रहे हैं गोल्ड फॉइल में वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये बात यहां से कंफर्म होती है, पहले कंक्लूजन में ये बात लिखी गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, इसका मतलब जो पार्टिकल है उसमें ज्यादातर स्पेस जो है खाली है। रदरफोर्ड ने इस पार्टिकल का नाम रखा, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम रखा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो टर्म है ये रदरफोर्ड के द्वारा दी गई है, और न्यूक्लियस की खास बात क्या है कि जो पूरा एटम होता है उसका सारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस में होगा, यानी कि जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस में ही मिलेंगे, न्यूक्लियस से बाहर नहीं मिलेंगे। और न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसका साइज 10 की पावर -15 मीटर के रेंज में होता है।
ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बहुत सिंपल मॉडल है ये। इन्होंने बोला कि एटम में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अलावा जो एरिया होता है उसे इन्होंने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे। अब इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन यह है कि अलग अलग एटम्स का स्पेक्ट्रम मिलता है हमको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो रदरफोर्ड मॉडल, ये जो हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं अलग अलग एटम्स के, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा, ये वाला पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ये भी अपनी एनर्जी लूज करता चला जाएगा और ये एक स्पाइरल पाथ लेगा। और ये बताया गया कि 10^-8 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। बट एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है, यानी कि एटम स्टेबल होता है। तो एटम क्यों स्टेबल होता है इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। तो ये बेसिक दो लिमिटेशंस हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट करा। तो अब हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स आने से पहले बोहर थ्योरी को काफ़ी एडमायर करा गया था और ये मान लिया गया था कि बोहर थ्योरी सब कुछ सही सही बता रहा है। बट बोहर के ही स्टूडेंट हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रेजेंट करा, और उससे कुछ टाइम पहले डी ब्रोगली ने यह बताया कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनमें वेव नेचर होता है। तो इसकी वजह से ये जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी हम पहले यहाँ पर इस थ्योरी को समझ लेते हैं और फिर कौन से बेसिस में यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन था उसको समझेंगे। जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है इसके हम अभी पोस्टुलेट देख रहे हैं। तो इसका पहला पोस्टुलेट यह है कि एटम में न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट आता है ऑर्बिट का। ऑर्बिट क्या है? एक सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो एक सर्कुलर पाथ में ये इसके चारों तरफ घूमता हुआ चला जाएगा। बोहर थ्योरी एटम की स्टेबिलिटी को कोरिलेट करती है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी यहाँ पे न्यूटन के लॉज को यूज करा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह समझाया जा रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम F1 फोर्स बोल रहे हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में है तो इसमें आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है जिसको F2 से प्रेजेंट करा जा रहा है, और सेम पाथ में रहने के लिए ये दोनों फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बोहर एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सर्कुलर पाथ में होता है और वो ऐसे पाथ में होता है जिसमें जो इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बैलेंस्ड होती है आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे पहली बात जो बोहर ने बताई वो ये बताई कि एटम जो होता है ये स्टेबल होता है। और क्या बेसिस लिया यहाँ पे इन्होंने? न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स। अब हम यहाँ पे बोहर थ्योरी की लिमिटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि बोहर थ्योरी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी कि जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसी स्पीशीज का स्पेक्ट्रा तो बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करता है। हमने पढ़ा ये, बोहर ने ही एक्सप्लेन करा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जिसमें उन्होंने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन ब्रैकेट, टीफन, जितनी भी सीरीज थी इनका ओरिजिन कैसे होता है ये एक्सप्लेन करा था। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे कि अगर हम हीलियम एटम की ही बात करें तो हीलियम का स्पेक्ट्रम बोहर थ्योरी की हेल्प से नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पे बोहर थ्योरी फेल हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन्स हमें मिलती हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये स्प्लिट हो जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जीमैन इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है इसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर जैसा मैंने अभी बताया था कि डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और ऐसे पार्टिकल्स में वेव नेचर भी होगा, पर बोहर की जो थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को नेग्लेक्ट करती है और उसको सिर्फ पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है।
सिमिलरली जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि बोहर के स्टूडेंट थे हेजनबर्ग, हेजनबर्ग ने प्रपोज करा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा है। ये प्रिंसिपल बताता है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम इन दोनों को साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ एंड एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसको हम साथ में मेजर नहीं कर सकते। मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन जो है ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जब भी हम मोमेंटम और पोजिशन को मेजर करेंगे तो इन दोनों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज होंगी, इनके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आएगा। पर बोहर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, बोहर थ्योरी की हेल्प से थ्योरेटिकली हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली निकाल सकते। बट ये तो गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, तो उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और मोमेंटम ये हम एग्जैक्टली कैसे पता लगा पाएंगे। तो इस तरह से बोहर थ्योरी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। तो इस तरह से हमने बोहर थ्योरी के लिमिटेशन देख लिया है। अब हम बोहर थ्योरी का सबसे बड़ा एडवांटेज देखने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ा है। ये पोस्टुलेट है बोहर थ्योरी का कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का ये क्वांटाइज होता है, और इसको इस तरह से दिया जाता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का ये n टाइम्स है h अपॉन 2π। यहाँ पे n की वैल्यू शुरू होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस रेडियस में घूमेगा ये रेडियस एक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, यानी इस क्वांटम नंबर को यहाँ पे n से प्रेजेंट करा जा रहा है। और इसीलिए जो अलग अलग ऑर्बिट्स होंगी उनकी रेडियस डिफरेंट होगी, डिस्टिंक्ट होगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बोहर थ्योरी का। सबसे बड़ा जो आउटकम है यह है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर हमें साफ साफ समझ में आ रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पहली ऑर्बिट है उसमें और दूसरी ऑर्बिट के बीच में एक डिस्टेंस है। अब इसको अगर हम एनर्जी टर्म्स में समझे तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहली ऑर्बिट में होगा तो इसका न्यूक्लियस पे कुछ अट्रैक्शन होगा, अगर दूसरी ऑर्बिट में होगा तो जो अट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स पढ़ा है। इसको इस तरह से दिया जाता है एफ इज इक्वल टू के Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। हमको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स रिलेशन में है। तो यहाँ पे दो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस और ये पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो फोर्स यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे दूसरे वाले केस में फोर्स जो है ये कम हो जाएगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में होगा तो उस पर अलग अलग फोर्स लगेगी, और अगर फोर्स अलग अलग लगेगी तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगी। यही कंसेप्ट है यहाँ पे क्वांटाइजेशन का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में होगा अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में भी डिफरेंस होगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टेट्स है इलेक्ट्रॉन की ये सेपरेटेड बाय सम डेफिनेट वैल्यू, इनके बीच में कुछ डेफिनेट डिफरेंस होगा। तो यहां से हमें क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इस क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस इसी बात का है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, एनर्जी लेवल्स लगातार होते हैं। अगर एटम का केस हम समझें कि अगर हम एटम में अगर इसी तरह से लेवल्स होते तो से ये कोई पहला लेवल है, ठीक उसके बाद दूसरा लेवल होता, ठीक उसके बाद तीसरा लेवल होता, इस तरह से अगर होता तो हम बोलते हैं नो क्वांटाइजेशन। बट क्योंकि एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या है, क्वांटाइजेशन है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में डिफरेंस का। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो उनके बीच में गैप नहीं होता, बट क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी हम सिस्टम पढ़ते हैं उनमें एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि उनमें एनर्जी में डिफरेंस होगा।
अब हम शुरुआत की बात कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से इसका फॉर्मुलेशन स्टार्ट हुआ है। हिस्टोरिकली यहाँ पे बैकग्राउंड स्टार्ट होता है बोहर की थ्योरी से। अभी हमने बोहर की लिमिटेशंस पढ़ी, तो उन लिमिटेशंस की बेसिस पे बोहर थ्योरी को रिजेक्ट करा जा रहा था। उस समय कुछ कंसेप्ट आए जिनकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। ये 1900 में जब मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ प्रपोज बाय मैक्स प्लैंक, किसी बॉडी से रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन रेडिएशन की फॉर्म में ना हो करके, ऐसा ना हो करके पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, और इन पार्टिकल्स से जुड़ी हुई वेव होती है। तो ये जो पार्टिकल्स हुए अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, इनको इन्होंने बोला क्वांटम। और ये जो क्वांटम है, ये जो रेडिएशंस या वेव के स्मॉल पैकेट्स हैं, इनकी जो एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, कि किस फ्रीक्वेंसी से ये पार्टिकल वेव मोशन में है, और एनर्जी कैसे दी जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू से। तो मैक्स प्लैंक ने अपने इस कंसेप्ट के बेसिस पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना को एक्सप्लेन करा। ये क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिर दूसरा जो टाइमलाइन है इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें आइंस्टीन ने ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं 1923 में डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा, जैसे कि रेडिएशंस में वेव नेचर होता है, उसी तरह से मैटर पार्टिकल्स में भी वेव नेचर होगा। यानी कि जो मैटर पार्टिकल्स होंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल की तरह बिहेव भी करेंगे और इनसे जुड़ी हुई कोई वेव भी होगी। तो डी ब्रॉगली और इसके बाद हेजनबर्ग ने 2 साल बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज करा, और ये प्रिंसिपल भी ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजिशन और उसकी वेलोसिटी हम एक साथ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें वेव नेचर होता है। तो इन दोनों प्रिंसिपल के बेसिस पे बोहर थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, इसका रिजेक्शन हो गया। और अब यहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट आने लगे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हेजनबर्ग ने ही अपनी एक मैकेनिक्स डेवलप करी थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हेजनबर्ग ने इसका नाम रखा था मैट्रिक्स मैकेनिक्स। बट इस थ्योरी की प्रॉब्लम क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल थी, और इसकी हेल्प से हम सीधे सीधे एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, या ऐसा कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इन्हीं के टाइम के एक रिसर्चर थे जिनका नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा, श्रोडिंगर। इन्होंने वेव मैकेनिक्स प्रपोज करा, वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इसको हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये जो वेव इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम एटॉमिक एनर्जीज को कोरिलेट कर पाते हैं अलग अलग सिस्टम्स की। हम बता पाते हैं कि कोई एटम में इलेक्ट्रॉन अगर पहली शेल में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, दूसरी शेल में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। क्वांटम मैकेनिक्स इस तरह से स्टार्ट हुई है। इसके बाद बहुत सारे रिसर्चर आए हैं, जैसे मैक्स बॉर्न करके एक रिसर्चर थे, सिमिलरली डायरेक एक रिसर्चर थे। इन्होंने जो ये वेव मैकेनिक्स है इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में लगाया, और इसके बाद भी काफ़ी रिसर्चर आए जिन्होंने वेव मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को मॉलिक्यूल्स के लिए लगाया। तो अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरेटिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड, जो एटम का स्ट्रक्चर है या एटम के अंदर भी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसको एक्सप्लेन करने में हमें मदद करती है। इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एटम की प्रॉपर्टीज तो मैंने अभी बताई आपको, फिर अभी न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स जो मैं बता रहा हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करने में हमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज पड़ता है। फिर ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये सारी सब्जेक्ट एरिया जो हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम सॉलिड्स, लेजर्स, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज को जान पाते हैं और इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं। तो आज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है, इसमें जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है या डी ब्रॉगली इक्वेशन और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
कमिंग लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।